आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आज हम पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। जी हाँ, आज हम पवित्र आत्मा के कुछ खास व्यक्तित्वों के बारे में जानेंगे। वैसे तो पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व बहुत हैं, पर आज हम कुछ खास व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, मगर शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। पवित्र आत्मा त्रियेकता का तीसरा व्यक्तित्व है। पवित्र आत्मा का प्रमाण स्पष्ट तरीके से पेंतिकोस्त के दिन आया, जब चेलों सहित 120 लोग ऊपरी कोठरी में इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। पवित्र आत्मा के आने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के आने के संकेत दिए थे, और यीशु के स्वर्गारोहण के बाद 50वें दिन पवित्र आत्मा पूर्ण रूप से 120 लोगों पर उतरा, और अब हर एक विश्वास करने वाले को पवित्र आत्मा दिया जाता है, जो उसे उसके जीवन में परिपक्व बनने के लिए मदद करता रहता है और उसकी सहायता करता है। पवित्र आत्मा का पहला व्यक्तित्व है, वह इच्छा रखता है। अगर हम पहला कुरिन्थियों 12 का 11 आयत पढ़ें, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि परंतु यह सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। यहाँ पर पौलुस पवित्र आत्मा के आत्मिक वरदान के बारे में बताता है कि आत्मिक वरदान तो कई हैं, और जिसे पवित्र आत्मा चाहता है उसे वह बांट देता है। यहाँ पर हम पवित्र आत्मा की इच्छा को देखते हैं कि वह अपनी इच्छा से विश्वास करने वाले की काबिलियत के अनुसार आत्मिक वरदानों को बांट देता है। पवित्र आत्मा का दूसरा व्यक्तित्व है, वह सुन सकता है। अगर हम प्रेरितों के काम 5:3 आयत पढ़ें, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। यहाँ पर हनन्या और उसकी पत्नी सफीरा भूमि के लेन देन के कारण झूठ बोलते हैं। तब पतरस कहता है कि हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। यानी कि जो कुछ हम बोलते हैं उसे पवित्र आत्मा सुनता है। पवित्र आत्मा का तीसरा व्यक्तित्व है, वह बोल सकता है। अगर हम प्रेरितों के काम 10:19-20 आयत पढ़ें, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख, तीन मनुष्य तेरी खोज में हैं, अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। यहाँ पर पतरस एक दर्शन देखता है और वह उसके बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी पवित्र आत्मा उसको बोलता है कि देख, तीन मनुष्य तेरी खोज में हैं, उठकर नीचे जा और बिना संदेह के उनके साथ चले जाना। यहाँ पर पवित्र आत्मा पतरस से बातें करता है और उसे बताता है कि उसे क्या करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने पवित्र आत्मा के कुछ व्यक्तित्व अर्थात उसका इच्छा, उसका सुनना और उसका बात करना, ये सब जाना। यह तो सिर्फ एक एक ही उदाहरण मैंने आपको बताए हैं, ऐसे ढेरों उदाहरण हमें बाइबल में देखने के लिए मिलते हैं। तो यह तो थी आज की वीडियो। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगली वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। सभी को जय मसीह की।